कोरिया जिले में होली के पर्व को लेकर अपार उत्साह दिखाई दे रहा है। एक ओर जहां बाजार रंग अबीर गुलाल और पिचकारी से भरे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर मिठाइयों की दुकानों में भी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। इसके साथ ही नगर में कई जगह पर होलिका दहन की तैयारी में लकड़ी जमा की गई है। होली पर्व के इस अवसर पर अनुराग दुबे ने बताया कि बैकुंठपुर स्थित भवानी तिगड़ा में विगत 15 वर्षों से होलिका दहन का कार्यक्रम कराया जा रहा है और पिछले 5 वर्षों से होलिका दहन के लिए लकड़ी की जगह में गोबर के कड़े का उपयोग किया जा रहा है। स्थानीय निवासी शैलेश शिवहरे ने बताया कि आज ही के दिन इस पर्व में लोग अपनी दुश्मनी भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और अपने गिले शिकवे मिटाते हैं। कोरिया से संवाददाता विशाल सिंह की रिपोर्ट। हमारे बैकुंठपुर के भवानी तिगड्डा में लगभग कई वर्षों से होली बनाई जा रही है। इस जगह में करीबन 15-16 साल से होलिका दहन किया जा रहा है। इसके पहले पीछे में जहाँ पास चौपाटी है, पहले पुराना बाई सागर तालाब था, उसी के मेड़ के नीचे में होलिका दहन होता रहा। जब अब वहाँ कंस्ट्रक्शन होने के कारण ये बरगद के नीचे में करीबन 15-16 साल से हमारे मोहल्ले के लोगों के द्वारा, हमारे द्वारा यहाँ होली बनाई जाती है। लगभग 5-6 वर्षों से आप देखेंगे बगल में कंडे की होली भी बनी हुई है, जो कि ये निरंतर जब भी होलिका दहन होगा कंडे की होली भी लकड़ी की होली के साथ बनाई जाएगी। हमारा होलिका दहन का पर्व है, ये असत पे सत की विजय का प्रतीक है और आज इसी पर्व के दिन भक्त प्रह्लाद का भगवान ने जीवन बचाया था और असत की हार हुई थी। और बसंत ऋतु का आगाज भी होता है और कहते हैं कि आज के दिन ही भगवान ने पूतना का वध भी किया था। और ये रंगों का त्यौहार, हम सभी कामना करते हैं कि हमारा शहर, हमारा समाज, हमारा प्रदेश और देश में सुख समृद्धि आए और सभी लोगों के जीवन में जो सतरंगी छटा होती है जीवन में, उसी प्रकार से सबको भगवान सुख समृद्धि दे।